कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ब्रेस्ट होती है उसमें पेन क्यों होता है। इसके कारण को हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसको दूर करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो तो आपको जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो उन्हीं में से एक चेंज होता है यानी कि हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसके साइज में चेंज होना, और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि वो आ जाते हैं। जब पहली बार आप प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर आपको ये जो चेंज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होते हैं। जब आपको जैसे कि सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर आपको इतना ज़्यादा पेन है या फिर चेंज होते हैं वो महसूस नहीं होते, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो पहले ही उसके अकॉर्डिंग अपने आप को है जो कि प्रिपेयर कर लेती है। प्रेगनेंसी का जो ये 9 महीने का टाइम होता है, इस टाइम में हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसका जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं यानी कि फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, उस टाइम पर काफ़ी लेडीज़ के है जैसे कि चेंजेस आ जाता है, तो काफ़ी को कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है, उसके बाद जो 9 मंथ तक का सफ़र होता है, तो उस टाइम पर काफ़ी सारा चेंजेस है जो कि वो हमारी ब्रेस्ट में आ जाता है। और हमें काफ़ी सारे जैसे कि चेंज होने की वजह से हमारी ब्रेस्ट में पेन भी हमें महसूस होता है। क्या कारण होता है हमें ब्रेस्ट में पेन होने का? सबसे पहले जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, और जैसे कि जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है, इस हार्मोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेस्ट में पेन है जो कि वो होने लगता है। और यही एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट में है जो कि वो पेन हो सकता है। साथ ही हमारी जैसे कि जब हमारा प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पर हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आपका जैसे कि कपड़ा टच हो गया या फिर हाथ लग गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन है जो कि वो फील होता है। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी के जो टाइमिंग है जैसे जैसे बढ़ता है, तो उस टाइम पर हमारी जैसे कि ब्रेस्ट में जो मिल्क ग्लैंड होती है उनकी संख्या भी है जो कि वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर मिल्क है जो कि उसकी प्रोडक्शन की ताकि हम अपने आने वाले बेबी को फीड करा सकें, तो उसके लिए जैसे कि मिल्क ग्लैंड है जो कि वो पहले से प्रिपेयर होती है, और हमें यह जो चेंज होता है इसकी वजह से भी हमें पेन होता है। और जैसे कि जो ब्रेस्ट होती है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, जो वो पहले से ज़्यादा है जो कि वो होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेस्ट होती है उस वो साइज में भी बड़ी हो जाती है, और साथ ही हमें है जो कि उसमें जैसे कि भारीपन भी महसूस होने लगता है। किसी किसी को पेन भी फील है जो कि वो होता है। तो आप जैसे कि वैसे तो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पर ये जो होता है वो होना सामान्य होता है, लेकिन आप फिर भी क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे कि आप अपनी ब्रेस्ट की डेली मालिश कीजिए, और आप कोई भी ऑयल है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि जो कोकोनट ऑयल होता है उसके साथ भी मसाज है जो कि वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप जैसे कि आप कंफर्टेबल जो ब्रा है वो पहनिए, साथ ही अगर हो सके तो आप स्पॉट ब्रा भी है जो कि वो पहन सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट में आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर पेन क्यों होता है और आप क्या कुछ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।